गुड मॉर्निंग क्लास KG 2 बच्चों, आज हम लोग करेंगे आपकी हिंदी की स्वर काल पुस्तिका से छोटे उ की मात्रा। तो चलिए आप अपनी ये बुक निकालिए, स्वर काल पुस्तिका, और ओपन करिए पेज नंबर 34। तो बच्चों, स्वर लेखन काल पुस्तिका में स्वर, स्वर आपको पता है ना, स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर आ आ ई ई उ उ री ए ए ओ ओ, ये स्वर है ना। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे छोटे उ की मात्रा वाले शब्द, और छोटा उ क्या है, स्वर है। स्वर की मात्रा किस पे लगी है, ये प और ल क्या है, व्यंजन है ना। प और ल क्या है, व्यंजन। और ये जो छोटा उ है, ये स्वर है, स्वर की मात्रा होती है, और ये मात्रा लगी है व्यंजन पे। तो चलिए हम लोग जल्दी से ये करते हैं, और आप यहाँ पर पहले डेट मेंशन करिए, 4th September 2020। अब आपका मंथ जो है कौन सा है, सितंबर 2020। ओके, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। प पपिक छोटे उ की मात्रा, ल पुल। तो बच्चों, छोटे उ की मात्रा में भी जब उच्चारण जो होता है, हम बोलते हैं तो वो जल्दी बोलते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, छोटा ओ, छोटी ई, इन सब के उच्चारण में जल्दी बोलते हैं हम लोग। तो हो गया पुल, ठीक है। फिर म, म पर छोटे उ की मात्रा, मात्रा डंडे के नीचे लगाना है आपको, ठीक है। और ख, ख बनाइए ऐसे, ख मुख, मुख माँ पे छोटे उ की मात्रा, ख मुख, ठीक है, जल्दी हो रहा है ना। फिर प, फिर से प बनाइए, श और श पे छोटे उ की मात्रा, इसी के डंडे के नीचे लगाइए आप, पशु। फिर इसके नीचे आप लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शब्द कौन सा है, शब्द ध, चलिए ध बनाते हैं। ध, ध बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, और आप ऐसे घ की तरह कर लीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया ध। फिर न, न पर छोटे उ की मात्रा, धनुष, हो गया धनुष। फिर स, स, स पर आ की मात्रा, ब, ब, ब पर छोटे उ की मात्रा, न, साबुन। फिर है कछुआ, क बनाइए, छ, छ पर छोटे उ की मात्रा, अ, आ, कछुआ, कछुआ, है ना, कछुआ। तो बच्चों, आप ये आज शब्द लिख लीजिए, और इसका साथ साथ उच्चारण भी करिए। प, प पर छोटे उ की मात्रा, ल, पुल। म, म पर छोटे उ की मात्रा, ख, मुख। प, श, श पर छोटे उ की मात्रा, पशु। ध, न, न पर छोटे उ की मात्रा, स, धनुष। स, स पर आ की मात्रा, ब, ब पर छोटे उ की मात्रा, न, साबुन। क, छ, छ पर छोटे उ की मात्रा, आ, कछुआ। ठीक है बच्चों, तो आज ये आप सुंदर सुंदर राइटिंग में करिए, और साथ ही साथ रीड भी करिए। बाय।